हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रीन वर्ल्ड। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम एक नए प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये आप जो पर्पल कलर का देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं वांडरिंग ज्यू। ये आपने बहुत देखा है और बहुत सारे लोग इसे लगाते हैं। बहुत सुंदर लगता है, इंडोर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंगिंग की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे लगाया जा सकता है और इसकी देखभाल कैसे की जा सकती है। तो वांडरिंग ज्यू प्लांट जो है वो आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। ये इस तरह का पैटर्न होता है जो आप देख रहे हैं, पर्पल कलर का थोड़ा शेड होता है और साथ में इस तरह का ज़ीब्रा कलर का ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह का पैटर्न भी होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी लगाना चाहते हैं वांडरिंग ज्यू, तो ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। आप इसको बिल्कुल लगाइए, ये बिल्कुल एकदम बिना केयर के बहुत आसानी से लग जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है वांडरिंग ज्यू में कि इसको बहुत धूप नहीं चाहिए। हाँ, ब्राइट लाइट ज़रूर चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम धूप की बात करते हैं, बहुत सारे एरियाज़ में धूप नहीं आती है अच्छी, लेकिन वहाँ ये फिर भी बहुत आसानी से चल जाता है। तो सबसे पहले आप निश्चिंत होकर इसे लगा सकते हैं कि यदि धूप ना भी आए, ब्राइट लाइट हो, तो वहाँ पर ये आसानी से चल जाता है। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये सब हमने कटिंग से ही लगाया हुआ है। दूसरी बात कि वांडरिंग ज्यू को कितना हम किस तरह की इसकी मिट्टी होनी चाहिए। नॉर्मल कोई भी जो गमले गार्डन सॉइल होता है, गमले में लगा हुआ है, उसी तरह की इसको मिट्टी चाहिए। बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। आपने हमारे बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी देखे होंगे जिसमें हम ऐसे ही पौधों के बारे में बात करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। वांडरिंग ज्यू बिल्कुल वैसा ही है, इसको बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। जब मिट्टी सूख जाए बिल्कुल, तभी आप इसको जो है वो अच्छे से इसको खाद दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। और इसकी मिट्टी जो भी आपके पास गार्डन सॉइल है, बस ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा गार्डन सॉइल जो है वो थोड़ा वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, चिकनी मिट्टी ना हो, तो आप उसमें आसानी से वांडरिंग ज्यू को लगा सकते हैं। तो इन दो बातों का थोड़ा हम खास ध्यान रखेंगे कि हमारी मिट्टी कैसी है, और धूप में यदि आप थोड़े से ऐसे इंडोर वाले पे ले रहे हैं तो कभी कभी आप उसको ब्राइट लाइट में भी रख दिया करें। अब बात करते हैं पानी की। तो वांडरिंग ज्यू को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जब कटिंग करके लगा लेते हैं तो उसके बाद फिर आप एक बार इसको अच्छे से पानी दे सकते हैं, लेकिन जब तक इसकी मिट्टी पूरी अच्छी तरीके से ये सूख ना जाए, आप तभी इसको पानी दें। आप इसको 10 दिन 15 दिन में भी पानी दे सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये हमने थोड़ा मिट्टी में भी लगाया हुआ है और कुछ हमने आपको गमले वाले भी दिखाए थे। तो इस तरह के पैटर्न से बहुत सुंदर ये लग जाता है और आसानी से लग जाता है। ये गमले में लगा हुआ हैंगिंग अभी नीचे उतार के थोड़ी इसकी शावरिंग की है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि एक बार यदि प्लांट्स को भी थोड़ा नहला दिया जाए तो थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। तो ये बहुत आसानी से इस तरह से लगने वाला ये प्लांट है। तो आप पानी का बस ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इसको पानी के इस तरीके से ज़रूरत नहीं है, और हर दिन तो बिल्कुल नहीं, आप 3 दिन 4 दिन में, क्योंकि ये थोड़ी अभी गर्मी है तो इसे थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि इसका प्रोपोगेशन, यानी इसको हम कैसे लें। तो हम इस तरह का कोई भी गमला ले लें जिसमें एक नीचे से 6 ड्रेन अच्छे से बना हुआ हो, नॉर्मल मिट्टी। ये मेरा मिट्टी घर का कंपोस्ट इसमें है, गार्डन सॉइल है, साथ में कोकोपिट है, ये सब मिला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने गोबर का खाद भी मिलाया हुआ है। तो सब कुछ मिक्स करके ये मिट्टी पहले से मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो इस तरह की मिट्टी आप ले लें, और इस तरह की मिट्टी में हम थोड़ा ऐसे जो हमारा वांडरिंग ज्यू है, इसमें से थोड़े से मैं आपको कटिंग करना दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने कटिंग करके ये लगाया हुआ है। तो आप इस तरह से 2-3 यहाँ से मैं कटिंग कर लेती हूँ, 2-3 हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर सकते हैं। एक ये है, ये यहाँ पे एक और कटिंग हम ले सकते हैं। तो ऐसे हम 2-3 कटिंग ले सकते हैं। एक और कटिंग मैं देख लेती हूँ कि यहाँ से हम इसको थोड़ा कट कर लें।
तो वांडरिंग जीव को यदि थोड़ा सा हम ऐसे काटते छांटते भी रहे तो वो थोड़ा घना हो जाता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा बुशी जैसा करना है तो इसको थोड़ा सा नीचे से हम काटते छांटते रहे तो वांडरिंग जीव थोड़ा घना भी हो जाता है। हम मिट्टी में भी इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं और पानी में भी कर सकते हैं। मैं पानी वाला आपको किसी दिन और दिखा दूँगी कि कैसे हम पानी में भी इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो इसका हमने नीचे से कुछ पत्ते हटा लिए हैं, ये नीचे से कुछ पत्ते सारे हम हटा लेंगे इसमें से इस तरह से, और इसको फिर इस तरह से हम मिट्टी में, ये हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसको मिट्टी में ऐसे जो हमारा तैयार है हम इसको ऐसे लगा लेंगे इसको। और फिर आप इसको अच्छे से एक बार लगाने के बाद आप इसको इसमें अच्छे से पानी डाल दें, इसको अच्छे से डाल के इसको थोड़ा अच्छे से। तो आप यदि पानी में भी लगाना चाहे तो किसी भी बॉटल में आप इसी तरीके से इसको रख सकते हैं। और एक बार इसको अच्छे से पानी डाल के आप अपना वांडरिंग जीव जो है वो कटिंग से ऐसे बहुत सारे तैयार कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। मतलब आप 10 से 15 दिन में ही देखेंगे ये कितने अच्छे से ग्रो करने लगता है। तो दोस्तों वांडरिंग जीव आप ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा आँखों को भी ठंडक लगता है गर्मी में और थोड़ी ग्रीनरी भी आती है। और ऐसे प्लांट्स के ही मैं नाम बताती हूँ जो लगाना बहुत आसान है। फ्रेंड्स, तो यही था आज का वीडियो वांडरिंग जीव के बारे में। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ फ़ोटोज़ गार्डनिंग के और कुछ टिप्स गार्डनिंग के शेयर करते रहती हूँ। तो आप ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़िए और खूब सारे ग्रीनरी अपने घर लाइए, गार्डन में लगाइए। बहुत अच्छा लगता है जब हम ग्रीनरी के साथ जुड़ते हैं, ग्रीन के साथ जुड़ते हैं, पेड़ पौधों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे जाने की अनुमति, फिर मिलेंगे हम किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी।